ये प्रभु राम लल्ला की जो राम दरबार है, मेरे विचार में ये आया कि पूरे विश्व की नजर सिर्फ एक ही जगह है, वो है अयोध्या में। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की हो रही है, तो हमारे पावन धरती जो हम बोलते हैं अयोध्या माँ की, और स्वच्छ नगर देश जो हमारे कहते हैं इंदौर, तो हमने ये सोचा क्यों ना हमारे यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हो। लेकिन प्रभु राम का जो राम दरबार हम अयोध्या से लेके आए हैं वहाँ का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, साथ में मैंने ये सोचा कि हर व्यक्ति नहीं जा सकता। मुझे निमंत्रण मिला वहाँ जाने का, बड़ा सौभाग्य की इंदौर की बात है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाए। तो मैंने विचार किया क्यों ना हम प्रभु सबका दर्शन, प्रभु राम का दर्शन सभी को कराएं, और अयोध्या जो प्रभु राम वनवास काटा था उन्होंने, तो उस वनवास में हमेशा प्रभु राम ने सुबह प्रतिकाल उठकर पूजा जो करते थे वो अयोध्या की माटी की रच की पूजा करते थे, उसको शक्ति बल शौर्य प्राप्त होता था। तो मैंने ये सोचा क्यों ना हम पूरी मध्य प्रदेश में 5100 लोगों तक यहाँ की रज वहाँ की माटी पूज कर आजीवन तक जो प्रभु राम ने पूजा आजीवन, वो सौभाग्य हमारे इंदौर हमारे मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगा कि प्रभु राम के चरणों की धूल वहाँ हमेशा अपने मंदिरों में रखें और हमेशा पूजे, ताकि सुख शांति यश और गौरव प्राप्त अपने परिवार का नाम रोशन करें। इसी कड़ी के साथ मेरे विचार आया, तो हम आज तब से यहाँ से गए हैं, 5100 लोगों का हमने संकल्प लिया है कि 5100 परिवार तक राम जन्मभूमि की माटी, जहाँ प्रभु राम विराजेगा वहाँ वहीं के अंदर की माटी है। वहाँ का ट्रस्ट ने, योगी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वहाँ इतना बड़ा उन्होंने सहयोग प्राप्त करवाया हमें, वहाँ पे दिया, और वहाँ से हम 5100 की कलश की मिट्टी की माटी लेके आए हैं पूरी मध्य प्रदेश पूरे इंदौर में हर व्यक्ति तक पहुँचाने का ये संकल्प हमने लिया। प्रभु राम अयोध्या की माटी, यानी अयोध्या प्रभु राम लल्ला के साथ अयोध्या चलकर हमारे मध्य प्रदेश इंदौर में आए। बोलो जय श्री राम। Oh!